आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे एक समुद्र किला रत्नादुर को। जैसे आप रत्नादुर फोर्ट के अंदर एंट्री करोगे ना, तो लेफ्ट साइड में ना आप रत्नादुर फोर्ट का जो है मैप नजर आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप, ये जो फोर्ट है बहुत ही बड़ा है, तो हम इसको पूरा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। आज जो है हम यहाँ पे है, तो ये है अपर पार्ट ऑफ फोर्ट जो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। और कल जो हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी, हमने बनाई थी यहाँ पे बिरकलवाड़ा जेटी के अंदर। अगर आपने नहीं दी गया तो आई बटन के अंदर दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर उसको चेक करना। रत्नादुर किला बनाया गया था 1600 शतक में भाबनी सुल्तान द्वारा, और 1660 में इसमें शासन कर रहे थे आदिल शाह, और 1670 में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई कोकण के किलों के साथ रत्नादुर्ग को भी एक मराठा साम्राज्य का महत्व का हिस्सा बनाया। और 1710 से लेकर 1755 तक इस किले की भागदौड़ संभाली आंग्रे परिवार ने, फिर पेशवाओं ने, फिर 1818 में कई किलों के साथ साथ रत्नादुर्ग को भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। रत्नादुर्ग किला एक बहुत ही विशाल किला है, जो कि 120 एकड़ जमीन के अंदर फैला हुआ है। इसकी सुरक्षा के लिए कुल मिला के 21 बुरुज बनाए गए थे, जिसमें से 9 बुरुज इस अपर फोर्ट में है। इस किले को भगवती किले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बसे भगवती मंदिर के वजह से। तो आप यहाँ से हम जाएंगे ना कडेलोट पॉइंट। जो कडेलोट पॉइंट वो जगह है जहाँ पे ना दुश्मनों को और ना जो भी गद्दारी करता था, तो वहां से उसको धकेल के जो नीचे गिराया जाता था। अगर आप शाम को आते हैं तो यहाँ पे बैठ के ना आप सनसेट व्यू यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। आप यहाँ पे अगर नीचे देखोगे ना, तो यहाँ पे रॉक्स है। इस किले में एक अंडरग्राउंड रास्ता बनाया गया है, जो कि अपर फोर्ट से निकलकर सीधा मिलता है इस समुद्र को, जो कि 300 फीट लंबी गुफा द्वारा। तो इस फोर्ट को जो एक्सप्लोर करने ना आपको हार्डली जो है ना 20 to 25 मिनट्स लगने वाले हैं। तो वीडियो पे करते हैं हम यहीं पे एंड। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के अंदर।